नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अपने हीफर्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो जिक्र करेंगे जिन बातों का, मैं चाहता हूँ मैं पहले सवाल उठा दूँ दोस्तों, जिनका जवाब हम लोग इस वीडियो में तलाशते नज़र आएंगे दोस्तों। पहला सवाल दोस्तों कि हमारा अगर हीफर हमारी हीट में नहीं आ रही है और हमें लगता है वो शारीरिक तौर पे तैयार है, हीट में आना चाहिए, तो मुझे हमें क्या करना चाहिए, पहला सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल, अगर वो हीट में आने लगी है समय से तो हम कैसे समझें कि कब याई कर देनी चाहिए हमें, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक है, हीट में भी आ रही है, याई करने भी जा रहे हैं, तो हम कैसे क्या करें, कैसे करें कि हमारा कॉन्सेप्शन और बेहतर हो जाए दोस्तों। तो ये तीन मेन सवालों के आसपास हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, पहला जो हमारा सवाल है वो यही है कि अगर हमारी हीफर हीट में नहीं आ रही है, हमें लगता है शारीरिक तौर पे वो तैयार हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए क्या है कि ये सवाल आज मैं ये इस वीडियो का जिक्र मुझे इसलिए आ गया, आज पंजाब जगरावा से एक मित्र ने हमें फ़ोन किया था, सुखदेव सिंह जी ने, उन्होंने बताया था कि उनकी हीफर हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तैयार हैं लेकिन हीट पे नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली जब हमारी हीफर हीट में नहीं आती है तो हम लोग बहुत जल्दी ही हार्मोनल इंटरवेंशन GPG प्रोग्राम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। मैं GPG प्रोग्राम के बारे में, इस हार्मोनल इंटरवेंशन के बारे में कभी डिटेल में अगले कभी वीडियो में बात कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर हमारा मसला है कि हीफर अगर हम पहले उसको कैसे नॉर्मल प्रक्रिया में कैसे हम देखें कि हीट में आ जाए। तो देखें, सभी जानते हैं दोस्तों कि हमें अपना खान पान बिल्कुल दुरुस्त रखना होगा अगर हम चाहते हैं समय से हीफर हीट में आवे और हम याई करें और आगे जाके अच्छी गाय हमें मिले। तो देखें, सबसे पहला दोस्तों मसला ये है कि हीफर, जैसे हमारा एक ग्रोवर है दोस्तों, एक साल के आसपास तक हो गया, कई हीफर हमारी 11वें महीने से 10वें महीने से हीट में आती हैं, लेकिन नॉर्मल हम बात करें अगर, तो हमारी हीफर दोस्तों हीट में अगर हम मान चलते हैं एक साल के आसपास नॉर्मली आएगी, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपना देखिए, एक पहली पॉलिसी हमारी ये है कि उसका न्यूट्रिशन बहुत ध्यान रखा जाए, न्यूट्रिशन में विटामिन मिनरल का बहुत ध्यान रखा जाए। और इस समय दोस्तों एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग पहले जितना, जैसे मान लें कि ग्रोवर के समय उसको हम लोग 3 किलो फीड दे रहे थे, कॉन्सेंट्रेट फीड की बात मैं कर रहा हूँ, इस समय हम लोग उसको घटा लेते हैं 2.5 किलो 2 किलो तक भी कर लेते हैं। कारण दोस्तों ये है कि हम कभी भी नहीं चाहते कोई हीफर एक दो बार रिपीट कर जाए और उस दौरान वो खा के मोटी हो जाए, हीफर थोड़ा कमज़ोर रह जाए देखने में, कमज़ोर नहीं लेकिन ओवरवेट कभी नहीं होनी चाहिए। हीफर अगर ओवरवेट होगी तो आपका कॉन्सेप्शन फंसेगा दोस्तों, पहली बात है। तो हम अपने हीफर को ओवरवेट ना होने दें, ये ध्यान कर लें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अच्छा फीड दें, विटामिन मिनरल दें साथ में। और इसी के साथ मैं जिक्र करता चलूं दोस्तों, इस समय हरे चारे का रोल बहुत बढ़ जाता है, हरे चारे वगैरह में अच्छा हमें अच्छे विटामिन मिल जाते हैं, तो हम लोग हरे चारे पर खास कर ध्यान रखें, अपने हीफर्स को ढंग का हरा चारा दें जिससे हमारा विटामिन की पूर्ति होगी और उसके हीट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है उन विटामिन से और हमें उसका फ़ायदा मिलता है दोस्तों, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, विटामिन मिनरल भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हरा चारा भी दे रहे हैं, कभी कभी होता है कोई बच्चा हमारा अगर फंस गया और नहीं आ रहा हीट में, तो देखें क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन मिनरल के बोलसेस आते हैं, जैसे इसका कारगिल का, अपने कारगिल में आता है न्यूट्रीसेक एडवांस बोलस आता है दोस्तों, उसी तरह से अपना एक एग्रीमेंट बोलस आता है दोस्तों वर्बेक का, तो इस तरह के बोलसेस 15-20 दिन का कोर्स होता है, उसको करने से उनके विटामिन मिनरल सप्लीमेंट पूरे हो जाते हैं हमारे और वो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल फंसी होती है वो खुल जाती है और चलने लगता है प्रक्रिया दोस्तों। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा सब कुछ करने के बाद अगर हम देख लेते हैं कि हीट में नहीं आ रही है, तो उसके बाद भी मैं कहूँगा अपने से GPG प्रोग्राम ना शुरू करें, अपने वेटनेरियन को बुला लें, अपने बच्चे को दिखा लें, और अगर उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है और कोई हल्का हार्मोनल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो GPG प्रोग्राम होता है, वो हम शुरू कर सकते हैं। मैं आगे कभी इसी वीडियो में जिक्र कर दूंगा GPG प्रोग्राम का, वैसे आप लोग अक्सर गूगल करके देखते होंगे, समझते होंगे GPG प्रोग्राम, नहीं भी समझते होंगे तो मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा, आगे बात कर लेंगे दोस्तों। तो ये तो बात हो गई कि हमारी बच्चियाँ अगर समय से हीट में नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, या समय से हीट में आए उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम लोगों ने समझ लिया, कैसे फीड का ध्यान करना है, विटामिन मिनरल का ध्यान करना है, फीड जो कॉन्सेंट्रेट फीड दे रहे हैं उसको 0.5 किलो कमी रखना है जिससे कि मोटा होने से बचा रखें बच्चे को, अपने बच्चे को पहले तैयार करके रखें, पहले कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दौरान ढंग मतलब नॉर्मल वेट से ओवरवेट की तरफ ना जाए बच्चा, ये ध्यान करना चाहिए। कभी कभी बच्चे एक दो बार रिपीट करके 2-3 महीने आगे बढ़ जाती है तो किसी भी तरह से वो फैटी ना हो पाए दोस्तों, इसका ध्यान करें, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, दूसरा जो हमने सवाल उठाया था वो ये था कि अगर हम
अगर हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ हीट में आने लगी दोस्तों, तो अगर हमारी बच्चियाँ हीट में आ रही है तो हम कब याई कर दें। कई बार देखते हैं अच्छी होल्स्टीन फ्रीजन की बच्चियाँ हैं, दसवें महीने से हीट में आ जाती हैं, नौवें महीने में हीट में आ जाती हैं दोस्तों, तो क्या ऐसा समय होना चाहिए कि हम उसको कब याई कर लें दोस्तों। तो देखिए क्या होता है कि ये एक पहले एक नॉर्मल रूल की बात कर दें, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल रूल क्या है कि ये उम्र से ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी वेट पे। हमें जैसे माने हमारी एवरेज टाइप की गाय है 450 किलो की टाइप की, तो उसकी बच्चिया को हम लोग कहते थे उस समय पहले कि 300 किलो कम से कम बॉडी वेट हो जाए। समय तो ज़रूर 13 महीने हो जाए, 12 महीने हो जाए, 14 महीने हो जाए, लेकिन कम से कम उसका बॉडी वेट जो है वो 300 किलो हो जाए तभी याई करें दोस्तों। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, या आपने अपने एवरेज गाय को भी अच्छा सीमेन लगा दिया है, तो वो बच्चिया शुरू से ही बड़ी होती है और उसको 300 किलो और 300 किलो पे आई नहीं हमें समझ में आती दोस्तों। थोड़ा रुकना चाहिए, कम से कम 350-350 किलो की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आता है। और यहीं पे बात दोस्तों मैं वो करूँगा जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल ही अपने फार्म पे कर रहे हैं। आज हमने देखा था कि किसी मित्र ने हमने पूछा था कि बच्चिया की आई कब करनी चाहिए, और हमारे एक मित्र हैं शायद गौतम जी हैं, उन्होंने उसका जवाब दे दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह का आप लोगों का एक्टिविटी देख के, कम से कम हमारे मित्रों को इतनी जानकारी है। जैसे उन्होंने पूछा आई कब होनी चाहिए, तो शायद गौतम जी ने जवाब दिया कि 10 महीने से लेकर 13 महीने के बीच में। उन्होंने बिल्कुल ठीक जानकारी इकट्ठा कर रखी है। 10 महीने से 13 महीने का बीच का समय वो है जो जनरली होल्स्टीन फ्रीजन बच्चियाँ हीट में आती है और उसकी आई की जाती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ जिक्र करूँगा, कभी भी अपने होल्स्टीन फ्रीजन बच्चिया की आई 10 महीने पर ना करें, कम से कम साल तो ज़रूर पार होना चाहिए। और मैं जो कर रहा हूँ वो बताऊँगा दोस्तों। देखें क्या होता है, हमने पहले जिक्र किया कि बॉडी वेट इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी वेट आ भी रहा है, मैं तो बताऊँ दोस्तों अगर बॉडी वेट नहीं तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बॉडी वेट आ भी रहा है तो भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम 13वां महीना एंड की तरफ जाए या 14वां महीना लग जाए दोस्तों। 13वें महीने के पहले मैं याई नहीं करना चाहता हूँ आज की डेट में। मैं कारण बताता हूँ दोस्तों क्या है। अगर आप मान लें 13वें महीने में आपने 12वें महीने में याई कर दी, अब मैं 13वां महीना पार करा रहा हूँ, 14वां महीना मान लीजिए, 2 महीना हमने लेट किया, हमारी फीडिंग अच्छी है, हमें कम से कम हर महीने 4-4.5 हज़ार रुपये लग जाएंगे एक बछिया में। 2 महीना आप लेट करोगे, आपके 10 हज़ार रुपये मान लें मोटा मोटा लग गए आपको एक बछिया तैयार करने में। ऑन एन एवरेज आपने पॉलिसी बदल दी है, आप 12वां महीने याई नहीं कर रहे हो, 14वां महीना 2 महीना और पार करा रहे हो दोस्तों याई करने में, तो आपके 10 हज़ार खर्चे बढ़ जाएंगे। अब मुझे जो समझ में आ रहा है दोस्तों देख के, कि अगर आप 2 महीना लेट करोगे, इस 2 महीने के एवज में पूरा चांस है कि आपकी बछिया आपको पहले ब्यांत में अपने दूध को कम से कम 2 लीटर पर डे ज़रूर बढ़ाएगी। 28 देने वाली है 30 दे जाएगी, 32 देने वाली है 34 दे जाएगी, 36 देने वाली 38 दे जाएगी, करेगी ज़रूर दोस्तों। आप उसको 2 महीना दोगे वो 2 लीटर ज़रूर बढ़ा के देगी आपको, और ये 2 लीटर की बढ़त लगभग अपने लैक्टेशन में पूरे दिखाती है वो। तो 300 दिन में 600 लीटर दूध आ गया आपके, 40 रुपये के हिसाब से 24 हज़ार का उसने दूध दे दिया। आपने शुरू में तो 2 महीना लेट करके 10 हज़ार गंवाया था, आपको 24 हज़ार मिलने के पूरे चांस हैं 2 लीटर भी दूध अगर बढ़ के देती है। एक तो दूध के रूप में फ़ायदा दोस्तों, दूसरा है कि आपने बहुत अर्ली आई नहीं की है, बहुत जल्दी बाजी में पड़ के आई नहीं की है, आपको बच्चे फंसने के चांस घट जाएंगे। जो भी उसको डिलीवरी के दौरान समस्या आ सकती हैं उन समस्याओं से वो बच्चिया बचेगी आपकी, और एआई के समय कॉन्सेप्शन का चांस बढ़ जाएगा दोस्तों। और तो इस तरह से करके तो कम से कम 13वें महीने तो आने दें दोस्तों, 13वें महीने का एंड हो जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां 11वां महीना में कोई एआई करके और ताली पीटने कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है, और न किया जाए दोस्तों। मेरे हिसाब से 12 महीने के पहले तो कोई सोचने का ही नहीं रखना चाहिए। बॉडी वेट हो जाए तो भी मैं नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। और अच्छा, तीसरी बात है दोस्तों, हम लोग बात गर्मी है दोस्तों बहुत है, और आज क्या रोज ही रहती है खैर। तो दोस्तों तीसरी बात हम लोग कर रहे थे कि हम लोग क्या करें कि जिस समय हम लोग एआई कर रहे हों उस समय हमारे बच्चों का कॉन्सेप्शन बेहतर हो जाए दोस्तों। तो जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, आपको हीट में आने के लिए भी और अपने बच्चिया के कंसीव करने के लिए भी जो सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया है वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, और उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छी होगी, आपकी हीट साइकिल अच्छी होगी, ओवुलेशन अच्छा होगा, फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा, कंसेप्शन होगा, सब एक से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें और बच्चों को ओवरवेट ना होने दें, और हरा चारा वगैरह देते चलें, हमारा कंसेप्शन हमें बढ़ के मिलेगा दोस्तों।
तो ये दो हम लोगों ने कवर कर लिया। और मैं देखता हूँ दोस्तों कि और हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, वो मैं जिक्र कर लेता हूँ और मैं आपको आगे इन हीफर्स को दिखाता हूँ। मैंने एक आध दिन पहले जो इनका अभी तो काफ़ी उधम मचा रहे हैं मेरे पीछे खड़ी हो गई, और एक आध दिन पहले जो हमने इनके लिए रिकॉर्ड किया है, मैं इनको दिखाता चलता हूँ हीफर को, जिन हीफर को हम लोग एआई कर रहे हैं जिन हीफर्स की दोस्तों, उनको दिखाता चलता हूँ। कुछ और बातें अगर हमें समझ में आ रही है मैं सोच देख लेता हूँ, कुछ सूझ छूट रहा है तो उसका भी आपको जिक्र कर देता हूँ और देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, फिर देखें ये हमारी हीफर ब्लॉक है हमारा, जिसमें ज़्यादातर हीफर्स की वो हीफर इसमें है जिनकी ज़्यादातर की एआई हो रही है, और कुछ एक इसमें ऐसी भी हैं दोस्तों जैसे जिनकी पीडी हो गई है, प्रेगनेंसी डिटेक्शन हो गया, वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनका ब्लॉक शिफ्ट करना रह गया और शिफ्ट हो जाएंगे। अभी एक ब्लैक वाली काली वाली बीच में दिख रही है, उधर एक जर्सी दिख रही है, इन दोनों की पीडी हो गई, दोनों गाभिन है, ये दोनों आगे अपने ब्लॉक में चली जाएंगी। और जैसे गिर वगैरह की जो पीछे लाल बच्चियाँ दिख रही है, इसकी भी पीडी होने वाली है जल्दी, यही लाल बच्चे है दोस्तों, तो इसी तरह की हैं इसमें। और देखें अब एक बात को समझ देखें ध्यान से कि इनमें बच्चे हैं ये बिल्कुल मतलब मॉडरेट मीडियम हेल्थ स्टेटस में हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले, और इसी स्टेटस में रखने की कोशिश हमें करनी है दोस्तों, जिससे कि आपका अपने आपकी एआई का बेस्ट रिजल्ट मिल सके हमें। इसमें जर्सी बच्चे आपको जो गिर के बच्चे थोड़ा ज़्यादा लग रहे होंगे दोस्तों, का कारण ये है कि एचएफ के बच्चे आते हैं बेचारे और वो 13-14 महीने में प्रेग्नेंट होकर आगे बढ़ जा रहे हैं और इन लोग रह जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जो संख्या है इनकी जो 2 साल के करीब पहुँच रहे हैं, वो भी अब जिनकी जिनकी पीढ़ी होने वाली है तो वो भी इसी में है, इसलिए वो दिख रहे हैं। और तो यही रहा दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करते चलें, और अगर आप चैनल पे नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।